एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को लेकर। जी हाँ, क्या है वो अपडेट, चलिए आपको बताती पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। आपको बताना चाहूंगी कि कई दिनों से फरार चल रहे थे ओलंपिक मेडल विजेता और साथ ही साथ पहलवान सुशील कुमार, कई दिनों से फरार चल रहे थे लेकिन आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगी, पहले कई दिनों से ये अफवाह चल रही थी कि उन्हें पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन नहीं, वो अफवाह गलत थी। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने कर दी है। आपको बताना चाहूंगी मुंडलका इलाके से उनकी गिरफ्तारी, प्लस जो उनके साथी थे अजय, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और दोनों कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर किसी से मिलने जा रहे थे ये दोनों। फिर दिल्ली के स्पेशल सेल ने उन्हें धर दबोचा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि जो पहलवान है सुशील कुमार, उनको लेकर कई जगह पे छापेमारी हो रही थी। पंजाब के भटिंडा, मोहाली समेत कई सारे राज्यों में छापेमारी की जा रही थी और कई सारे ठिकानों पर दिल्ली पुलिस तलाशी कर रही थी, लेकिन उन्हें पकड़ा गया है दिल्ली के मुंडका इलाके में। और आपको बताना चाहूंगी, कई कई नंबर से अपने घर वालों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ तक कि सुशील कुमार और उनके जो साथी अजय, उन दोनों पर इनाम रखा था दिल्ली पुलिस ने। सुशील कुमार पर 1 लाख और दूसरी तरफ अजय जो उनके साथी है, उन पर 50,000 का इनाम रखा गया था। अब आपको बताना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है। छत्रसाल स्टेडियम जो है, उसमें जो कि सुशील कुमार के अंडर है, उसके इंचार्ज है वो, तो 23 वर्षीय जो पहलवान है सागर राणा की हत्या का आरोप उन पर लगा है, जिसके चलते वो बाहर से ही फरार है और आखिरकार उनकी हो चुकी है। वो सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें पता चली है कि उनके हाथ में डंडा है, सारी चीजें। तो अब देखते हैं क्या कुछ अपडेट आती है इन सारे मामलों पर, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन तब तक ले देखते रहिए आप फीफा फूज।